और ये भाई साहब को हमारा नाम ही नहीं पता, क्या नाम है हमारा YouTube का? बात कर दी यार रजत और शशांक सागर। बस बस खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएस ग्रुप उत्तराखंड और वेलकम टू द न्यू एपिसोड। ये है थर्ड एपिसोड और आज हम हैं गुंजी में, यहाँ हमारा एक्लेमेटाइजेशन का डे है। तो अभी हमने बस फ्रेश वगैरह हो गए हैं, अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। एक दो मंदिर हैं, अब यहाँ की जगह क्या है वो हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और बाहर का नज़ारा तो बहुत एपिक है। एक्चुअली मुझे करना थोड़ा मॉर्निंग स्टार्ट था बट अभी ठीक है, अभी करते हैं और जैसा दिखता है फिर आपको दिखाते हैं। ये अपने भाई लोग रेडी होके बैठे। हेलो, तो होप करते हैं आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और बाहर चलते हैं। लेट्स गो। ऑलमोस्ट सब लोग चले गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइज ये हमारे सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, हमारा स्टे टेंट में था। ये कुछ बड़े टेंट्स हैं, कुछ छोटे टेंट्स हैं। हमारा वाला ये था टेंट नंबर 10 और काफ़ी हमारा अच्छा था, नींद भी अच्छी आई, स्लीपिंग बैग्स वगैरह सब हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए थे। तो अभी हम जो है यहाँ से जा रहे हैं नीचे को ब्रेकफास्ट वगैरह करने और फिर देखते हैं, थोड़ा हम सोचें आज छोटा मोटा थोड़ी ट्रैक यहाँ पर करें सो दैट हमारी बॉडी कैन बी एक्लेमेटाइज्ड। तो अभी यहाँ पर काफ़ी आग वगैरह जली है, हमें हाथ मुँह धोने के लिए वगैरह ये पानी वगैरह सब गर्म। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है हमें यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू। तो वी आर थैंकफुल टू मिस्टर कालाकोटी सर एंड द एंटायर पिथौरागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द पिथौरागढ़। सो दे आर हेल्पिंग अस इंडिविजुअली एंड ग्रुपली। सो ये हमारे ब्रिजवासी भैया हैं हल्द्वानी से एंड द एंटायर साइक्लिस्ट। सो दिस इज़ द व्यू एंड बहुत ही प्यारा है, बहुत एपिक जगह है ये गुंजी। सो आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू कम हेयर तो दैट वुड बी रियली नाइस। और इस साइड को जो आप देख रहे हैं, ये वाले इधर साइड को हमने कल साइकिलिंग करनी है ओम पर्वत की तरफ को, तो ये इधर को हमारा रूट है। और वह सामने जो है वहाँ पर एक माउंट अप्पी है, तो वह अभी जब थोड़ा विजिबल हो जाएगा तो मैं वो आपको शो करूँगा। तो फटाफट चलते हैं नीचे को और मिलते हैं। गाइस वो देखिए हिमालयाज कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह देखने और ये अपने भाई लोग, हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे और फोटोज़ आपको पता है कहाँ पर आएंगी, ये चैनल्स के नेम आ रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इनको आप हमारे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो चलिए, और कितना प्यारा टेरेन है, दिस इज़ कॉल्ड व्यास वैली एक्चुअली। तो काफ़ी अच्छा ही है, काफ़ी बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। तो गाइज अपना यहाँ है ब्रेकफास्ट रेडी और जितने अपने सारे साइकिलिस्ट हैं। हेलो हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। तो ये यहाँ पर सब एज ग्रुप के हैं जो साइकिल करने वाले हैं कल। प्लीज डू फॉलो आरएस ग्रुप उत्तराखंड चैनल इन यूट्यूब। आज क्या बना है? पोहा, पोहा और दलिया है। हाँ हेल्दी, मेरे 32वीं बार हूँ और कई लोग हमें से कई बार आया है। मैंने ओम पर्वत की 27 टाइम अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी, तो हम लोग हाँ हम लोग हम जो टीम बहुत बार आए हैं इस वैली में, तो हम जानते हैं यहाँ के कल्चर को, आप रिस्पेक्ट करेंगे। तीसरा आपका फोटोग्राफ के बारे में बताओ, विदाउट परमिशन आप कैंपस से बाहर नहीं जाएंगे। इसको बता दो, मैं हूँ अकेले, किसी ने नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अकेले किसी ने नहीं जाना है, ग्रुप में जाएंगे, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 पीपल इन ग्रुप। बता के जाएं किसी को, आप हमें नहीं बता सकते, हमें टीम मेंबर किसी को बता दे हम यहाँ जा रहे हैं, कितने बजे तक आ जाएंगे। 6 o'clock एवरीबॉडी विल गेट रेडी, असेंबलिंग टाइम 6 o'clock, साइकिल राइड 7 o'clock, शार्प मीन शार्प। और कई लोगों ने अपने कान वान सब ढक रखे, तो आपको अगर एक्नाइज होना है तो आप कान खोल दो, प्लीज कान वान खोल दो, आप सर ढको, सभी लोग कान को आप डीप ब्रीथिंग करिए, डीप ब्रीथिंग, ठीक है। तो मोर यू डीप ब्रीथ, क्लोथिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, वेदर खराब नहीं होता आपकी क्लोथिंग खराब होती है, अगर आप कपड़े ढंग से नहीं पहनेंगे तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कोई भी दिक्कत आपको, खाना कैसा लगा सभी को? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत मेहनत की हमने, पूरे 1.5 महीने से लगे हम, हमारे 2010 की कैलाश यात्रा में हम लोग 56 पीपल, स्टिल वी आर कनेक्टेड, स्टिल, तो व्हाई नॉट वी ऑल कैन बी कनेक्टेड। दूसरा, हम यहाँ गाँव में आएंगे तो गांव वालों को पता चलना चाहिए कुछ अच्छे लोग आए थे, डेफिनेटली सर। हम कोई भी ऐसा एक्ट ना करें कि वो दोबारा कहें ये ना आए, उनको ये फील करा के जाएं ये बार बार आए।
तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग शुड बी देयर. दिस इज अ टोटली टोटली स्पिरिचुअल प्लेस. हम किसी जाति धर्म के हैं, सुपर पावर यहाँ है, यूनिवर्स यहाँ है, अलाइव विच आई फेल्ट. लव इट, यू विल बी ब्लेस्ड. अगर इसके अंगेंस्ट में, नेचर के अंगेंस्ट में हम जाएंगे, हम किसी भी चीज के अंगेंस्ट में जाते हैं, बच्चे पेरेंट्स के अंगेंस्ट में गए, पेरेंट्स बच्चों के अंगेंस्ट में, देर से कंफ्लिक्ट नहीं होने देना है. टेक द ब्लेसिंग्स एज मच एज यू कैन. किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑलवेज गो फॉर द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. बहुत सिंपल एक देसी बता दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल. ये वो सांस को ऊपर लेना है और फिर झटके से छोड़ देना है. आपकी लंग्स की कैपेसिटी जस्ट डबल हो जाएगी. मुंह से छोड़ देना है. डू दस 5-6 टाइम इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग. तो आपको जो बाकी प्रॉब्लम्स है सारी परफेक्ट रहेगी. क्या यू डू ऑलराइट? सो डू दिस एंड लव ईच अदर, लव द नेचर, लव द विलेजेस. फोटोग्राफी करिए, अच्छा सा करिए, ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जाए कि यहाँ के लोग आप लोगों को याद करें. थैंक यू. आपने देखा जैसे हमारी ब्रीफिंग हुई थी, तो यहाँ पर जल रही आग, आग सेक रहे हैं. और क्या लोकेशन है यार, लोकेशन इज वंडरफुल. इतने प्यारे टेरेंस हैं. एंड दिस इज कॉल्ड व्यास वैली. व्यास वैली एज आई हैव टोल्ड यू, तो बहुत ही प्यारा जगह है. और काफ़ी थोड़ी ब्रीफिंग वगैरह हुई है वहाँ पर. मेडिकल चेकअप हो रहा है तो. और इधर के पहाड़ पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं. हो रही है यहाँ बारिश और मौसम देखो बिल्कुल कोरा कोरा. और अभी हम जा रहे हैं नाभी गाँव को, वहाँ पर एक्सप्लोर करने, थोड़ा सा घूमने, एक्लमटाइज करने. और ये अपना रूट है. वो कल जो रोड देख रहे हैं आप, हम उसी से आए थे. और बहुत अच्छी टेरेन है को, तो चल रहे हैं आई को. सो गाइस, ये कुछ और लोग हैं जो नाभी को जा रहे हैं. नाभी एक विलेज है यहाँ पर से शायद 2-3 किलोमीटर दूर. तो वहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा हम वॉक करने. काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर को. अभी बिल्कुल कोहरा वगैरह हो गया है, तो बहुत वैली बहुत अच्छी लग रही है. काफ़ी मज़े आ रहे हैं. सो गाइस, ये जो घर हैं ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल पत्थर से बने हुए हैं, सदियों पुराने. आज से कहते हैं इनके बारे में कि कम से कम 250 साल पुराने घर हैं. अच्छा, 250 साल पुराने. तो ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, इनको तो ये काट करके बनाते हैं. और जो ये छत जो आप देख रहे हैं, इनको पटाल कहते हैं ना, पटाल. तो ये भी पत्थर की होती है. तो गाँव के घर इसी टाइप के होते हैं. पाथर पाथर पटाल पटाल भी. हाँ, पाथर. हाँ. और वो ऊपर का व्यू देखो गाइस, कितना तगड़ा है, बहुत एपिक. और ये देखिए इसको बाखली बोलते, बाखली. तो ये स्ट्रक्चर देखिए घर का, बहुत पुरानी बाखली है. इसमें कम से कम 150 परिवार रहा करते थे. अच्छा. और देखो ना, ये अगर बहुत पुराने हैं तो इनका डिजाइन देखो कितना इतना कास्तकारी. हाँ, बहुत ही अच्छा बनाया है. शुगर, ये हमारी, ये हमारा नया दोस्त है. बहुत जाना है, वही कह रहा हूँ. सो गाइस, हमारा ये रूट है कुछ ऐसा ट्रैक. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. बहुत टाइम बाद हम ऐसे इतने बड़े ट्रिप में आए और इस वैली में हम घूम रहे हैं. तो ये बहुत ही अमेजिंग है सच में. और ग्रीनरी देखो कितनी प्यारी लग रही है. हेलो, ये हमारे न्यू फ्रेंड. हाय, ऐसे भाग गए हमारे दोस्त, भाग गए. अभी कंफर्टेबल नहीं है, वो डर रहे हैं, डर रहे हमसे. और ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत मजा आ रहे हैं. ये हमारे जो है फायरफॉक्स की टीम है. ये संतोष भैया हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, जो टेक्नीशियन है. और ये मैम वहीं बाइक स्टेशन हल्द्वानी में, सभी मतलब फायरफॉक्स वाले हैं बाइक स्टेशन हल्द्वानी. तो काफ़ी इन लोग का बहुत सपोर्ट रहता है, हमें ग्राउंड सपोर्ट बहुत मिलता है. तो थैंक यू सो मच. हमारे अभी साइक्लिस्ट आ गए ऊपर से, और तो ये ऊपर से होके आ गए. हमने कहा भैया एक बार, तो हम चल रहे हैं ऊपर को. सो गाइज, हम चल रहे हैं बस यहाँ से ट्रैक में. और ये मतलब ट्रैक नहीं, रोड है एग्जैक्टली. तो हम रोड बाय रोड जा रहे हैं गांव को. और कितना प्यारा रूट है. तो आगे होंगे, आगे क्यों होंगे, क्यों हाँ तो नहीं है अभी. हाँ, आगे होंगे.
जीप निकल जाएगी, पूरी जीप निकलेगी तो जीप उठाएगी। ये टूर दे गिलास की गाड़ी की यात्रा ये अपना रूट कुंजी को और ये हम सब और ये हमारी पहाड़ी चल रही है तो अभी हम लंच करने गए थे, लंच करके आ रहे हैं अभी और थोड़ा रेस्ट हमने का कर लेते हैं, बाहर बारिश हो रही है भयंकर वाली, तो थोड़ा देर रुके हैं, तो अभी थोड़ा देर आराम करते हैं और फिर देखते हैं अगर शाम तक रुकता है। ऋषभ भाई कह रहे हैं, ऋषभ भाई ने एक ट्राउजर लिया है मात्र 800 रुपए का। भैया शॉपिंग तो एक ही बंदा कर रहा है, वो है ऋषभ। अंदर से फर भी है इसके, आप लोग ले सकते हैं, देख लो चिड़ा रहा है, फर भी दिखा रहा है, अच्छे मतलब जेन्युइन प्राइस है, कोई भी अगर इधर आए तो। ये पता है ये नैनीताल में ज्यादा महंगा मिलेगा, गारंटी है, 800 में नहीं मिलेगा। सेम जैसे डिकैथलॉन में 100 रुपए की ग्लव्स है, 100 रुपए बहुत बड़ा हो रहा है मेरे को ऐसे ही है, मैंने वैसे ही जबरदस्त है। तो सामान अच्छा है यहाँ पर, काफी मिल जाता है, जैकेट्स वगैरह इन केस अगर आप नहीं लाए तो, बट ठीक है जैसा भी है, बट एंजॉय बहुत कर रहे हैं, हमने फोटोज वगैरह काफी लिए हैं तो उनको अभी हम शेयर करेंगे जब ये मतलब हम नेटवर्क जोन में आ जाएंगे, बिल्कुल नेटवर्क की। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ा प्रेस। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हमने एक ली थी छोटी सी नैप, बहुत रिलैक्स हो गई बॉडी और थोड़ा टायर्ड भी हो गए थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो एक छोटी सी नैप के बाद अब हम जा रहे हैं चाय वगैरह, चाय पकौड़ा खाने नीचे। और मौसम तो अभी भी स्टिल बारिश हो रही है, बट ठीक है अभी होपफुली कल तक ठीक हो जाएगा। और पीछे के नज़ारे तो बहुत एक नंबर है। साइकिलिंग तो ये करते हैं हम, आज कर रहे हैं, रोज करते हैं। गाइस देखिए तीन भैया भैया, वेल डन सर, वेल डन। तो गाइस ये हमारी पकौड़ी वगैरह है और इधर हमने चाय कॉफी वगैरह पिए भी, और ये भैया लोगों ने बनाया था तो खा के बस अभी हम बैठे हैं थोड़ा। और ये भाई साहब को हमारा नाम ही नहीं पता, क्या नाम है हमारा YouTube का? बात कर दी यार, रजत और सशांत। बस बस खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। स्कैम रजत भी आएगा। सो गाइस हम आए हैं अभी हम जा रहे हैं ऊपर एक मंदिर के पास, ये अपना ट्रैक है पतला सा, तो हम इसमें निकल रहे हैं। ये राम सेवक सभा, अच्छा राम सेवक सभा गुंजी, गुंजी ओके। और ये अपना ट्रैक है, कैमरामैन सागर देवराड़ी के साथ लाइव टेलीकास्ट जो होगी बाद में, यहाँ से नेटवर्क में आने के बाद। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं इधर ऊपर मंदिर पर और बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए सामने का व्यू कितना प्यारा है, रियली ग्रेट, रियली ऑसम। तो फाइनली गाइज हमने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ली हैं, वो आपको हमारे इंस्टा अकाउंट में आ जाएंगी और कोई स्क्रीन पर भी आ रही होंगी। तो अब हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं नीचे को और जा रहे हैं वापसी, तो अभी हम नीचे जाके आपसे मिलते हैं। सो गाइज हम आ गए नीचे यहाँ पर, अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए, उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पर आग वगैरह सेकते हैं और बाकी लोगों से मिलते हैं। और ये अपना टेंट है इधर, ये वाला, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अभी हमारी साइकिल्स नहीं आई हैं तो उन्हीं का वेट चल रहा है और यहाँ सारी बाकी टीम है, तो चलते हैं थोड़ी देर आग सकते हैं। सो गाइस हम जा रहे हैं फिलहाल वहाँ नीचे डिनर करने और कितना मस्त लग रहा है देखो। नहीं नहीं, तो ये अपना रास्ता है कुछ ऐसा, रास्ता वैसे एक्चुअली ये है नहीं, हम इससे आगे शॉर्ट है तो इससे हम निकल चले जाते हैं। और बहुत नीचे बहुत मस्त लग रहा है, ये पूरा गुंजी एरिया है, तो चलिए चलते हैं फटाफट। ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको कुंजी वाला पार्ट हमारा थर्ड जो एपिसोड था वो पसंद आया होगा। और अगर ये पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करके बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। और कल हमारा शायद ओम पर्वत जाने का प्लान है, अभी तक हमारी साइकिल्स नहीं आई हैं, वो रास्ते में कहीं अटक गई हैं, तो जैसे ही मॉर्निंग आएंगी तो फिर हम उनको असेंबल वगैरह करके और मोस्ट प्रोबेबली CM भी आएंगे यहाँ पर, तो यू नो फ्लैग ऑफ करेंगे हमारी जर्नी को और हम फिर कल ओम पर्वत की राइड करने जाएंगे। तो वो व्लॉग आप जरूर देखना है आपको, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही एपिक व्यूज़ हैं आगे। तो चलिए अभी चलते हैं, फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।